तो फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फ़िज़िक्स के जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन प्रतीक चिन्हों को ही नहीं समझ पाओगे तो फिज़िक्स को मुझे नहीं लगता आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास ट्वेल्थ में जितने भी प्रतीक चिन्ह यूज होते हैं उन सब का एक पीडीएफ फाइल लेकर के आया हूँ। उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो में सारे प्रतीक चिन्हों को बताऊँगा। और मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बल है, बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को प्लस यानी क्यू स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को स्मॉल आर से, माइक्रो का सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का सिंबल बना है, उसे आप माइक्रो रीड करेंगे। प्रापवैधताओं को के से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युतशीलता को एप्साइलन नॉट, ये वाला साइन है ये एप्साइलन का है तो एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल को एफ ई यानी उसके नीचे ई लगा होगा तो वो वैद्युत बल हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, समय को स्मॉल टी से, वैद्युत धारा को स्मॉल आई से, वैद्युत विभव को बी से और कार्य को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये इसके सिंबल्स हैं। वैद्युत स्थिति ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्रव आगुण को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो ये सिग्मा का साइन है, आयतन घनत्व होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला सिंबल रो का है। तो सिग्मा में और रो में क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, रो नीचे की तरफ होता है, सिग्मा एकदम स्ट्रेट होता है। और रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला सिंबल है ये लैम्डा का है। वैद्युत धारिता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है उसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल आर से, धारा घनत्व को कैपिटल जे से, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। फैराडे नियतांक एफ, यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो ये वाला सिंबल है ये स्मॉल एन है, विशिष्ट प्रतिरोध है ये रो को, श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो क्लास ट्वेल्थ में जितने भी सिंबल यूज होने वाले हैं उन सब के सब को मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी टॉपिक को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको तुरंत समझ आ जाए वो ये वाला इस चीज़ का सिंबल है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो चुंबकीय फ्लक्स की बात की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स को यहाँ पर फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये फाई का सिंबल आप देख सकते हो, फाई इस तरीके से बनाया जाता है। प्रेरित वैद्युत भाग बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, स्व प्रेरकत्व को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर की दक्षता है, इसको हम ईटा बोलते हैं, तो फ्रेंड ईटा से इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सिंबल आप देख सकते हो ईटा इस तरीके से थोड़ा बनाया जाता है, ये वाला आवृत्ति वाला, इसको न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को आपने देखा होगा स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में थोड़ा अपडेशन हो जाता है तो इसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, आप बिल्कुल यहाँ पर ईजी समझ सकते हो। प्रवर्धन गुणांक को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अन्योन चालकता है वो जीएम, वोल्टेज प्रवर्धन को कैपिटल ए, निर्गत वोल्टेज को ई जीरो, निवेशी वोल्टेज को ई जी, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये आप बिल्कुल देख सकते हो। छह नेतांक को लैम्डा से, अर्धायु को टी से एंड द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको पता चला क्लास ट्वेल्थ में यूज होने वाले जितने भी सिंबल हैं सारे सिंबल्स के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।